और वहां से पवन रेखा ने कहा, पिया मैं आज जंगल घूमने जाना चाहती हूँ, शहर कहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं राजकाज में बिजी रहूंगा, तुम चली जाओ। और सब सखियों को लेकर के पवन रेखा आज पहुंची। जैसे ही जंगल में पहुंची है तो वहां जाकर के अंदर दस गई, सखियों के साथ में रथ में है। और रथ में से जैसे ही उतरी और घूमना प्रारंभ किया तो सखियों से बिछड़ गई। जैसे ही सखियों से बिछड़ी, अब तो शेर भालू त्याग धारने लगे और पवन रेखा रोने लगी, अकेली पड़ गई, सखियां बिछड़ गई। हे पिया मुझे बचाओ, हे पिया मुझे बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन उधर दुर्मिलिक नाम का एक दैत्य रहता था, राक्षस। उसने देखा पवन रेखा है और आया और आकर के फट्टा मार के हंसने लगा और बोला, देवी ए छत्री की पत्नी होके डर गई। और समझा करके बोली, क्या सेन का रूप बनाया और बना करके रूप सामने आ गया। हे देवी तू छत्री की पत्नी होकर डर गई। बोली, पिया आप तो कह रहे थे कि मैं राजकाज में बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, फिर आप कैसे आ गए? महाराज जब कुछ कहने लगे, देवी अब क्या बताएं, जब तुम आंगन से चली आई तो हमें बिल्कुल अच्छा, हमें आंगन जो है खाई पिछला पिछला चले आए। और उसी समय पर मौसम की बड़ी अच्छी बहार है, देख करके धोखे से उग्रसेन का रूप बना करके आज पवन रेखा के साथ में सती संभव। धोखा साबानी चुनी और कियो सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी का संयोग। पापी दुष्ट का संयोग अंत में प्रकट हो गया और अपने असली रूप में आ गया और ठट्टा मार के हंसने लगा। देवी पवन रेखा रो गई, बोले, तू पापी दुष्ट, बोले तूने ये क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। और मैया पवन रेखा रोने लगे, पतिव्रता होते हुए भी मेरा धर्म नष्ट कर दिया और क्या।
गया जो पहले जान में ले भस्म कर दे जो पहले जान में ले और उधर पवन रेखा रो रही है और इधर हमारे जुगेंद्र भैया समस्त कमेटी के साथ में अपनी जो भी कमेटी सबके नाम नहीं जानता हूँ माफ करना राजेश भैया जी हमारे नंद किशोर भैया अगर मेरी आवाज सुने हो तो अब शीघ्र कैमरे के पास आ जाएं जुगेंद्र भैया सचिन भैया राजेश भैया आकाश भैया और पप्पू यादव जी और नंदकिशोर शर्मा जी और लोकेंद्र सर जी ब्रजेश यादव जी ये समस्त कमेटी वासियों से आकाश भैया जी जो कोच हैं उन समस्त कमेटी वासियों की तरफ से सम्मान है कहां है लाला नंदकिशोर कहां है